नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते तेस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरज आगे आओ, पीछे क्यों जा रहे? आगे बेटे, आगे आओ, आगे जी, इधर आ जाए बेटी। हाँ आ गया बेटी, अमन इधर आ पास में। हाँ तुम पीछे कैसे बैठे पारस के भैया? इधर आ जा, क्या परेशानी है कोई? लेसिया के विषय शाम को ले लेंगी, अभी ये विषय छोड़कर एक बड़ा विषय ले। आवाज करो नहीं बेटे, तुम्हारी मशीन सेटिंग सही करा, मैं मुंह पे थोड़ी लगाऊंगा उसे, मैं इतना भी देख के घबराहट हो रही है। नहीं उसे नहीं, वो तो वहीं से सेट करो आप। हेलो जी, खराब है क्या बताएं? इन दोनों की चुंबक होती है, इनमें मैग्नेट भी परेशान करती है। अब जी सही आवाज थी भाई ना। चलिए अब देखो, एक सेकंड में आवाज हो गई, दो सामने है ना, एक मार्ग में एक ही आत्मा चाहिए, दो द्रव्य मिले और हैरान हुए। चलो अपन समय नहीं लगाते, एक घंटा लेना कि आधा घंटा बोलो, आप बोलता होना तो चाहिए, आप बोलता कि वो बहुत लेट हो जाएंगे, अपन कोशिश करता हूँ 10:15 तक पूरा कर देंगे। सभी लोग अच्छे सुन रहे हैं। विषय बहुत सुंदर है, अभी अचानक ही विकल्प आया, वो ही ले रहा हूँ। ज्ञान है ना अपने पास, ज्ञान है। क्या है अपने पास? ज्ञान। इस ज्ञान की एक वैरायटी है जोरदार, बहुत जोरदार वैरायटी, तुम सुनोगे तो नाचोगे। वो ज्ञान की वैरायटी क्या है? क्या हमारे ज्ञान में आप सबको एक प्रॉब्लम होती है? आप सबको कह रहा हूँ, आप सबको एक प्रॉब्लम होती है। सेट कर दो, करना हो तो करो ना, बोलो नहीं, इतनी देर में सेट हो जाए, कोई दिक्कत हो फटाफट सेट कर दे। समझ में आया कुछ? तो मैं क्या बोल रहा था सुनना ध्यान से, नाम भी बाद में बताऊंगा, पहले प्रॉब्लम से ना। अपने को सभी को ये प्रॉब्लम है कि हमारे आत्मा का चिंतन नहीं चलता तो धर्म कैसे हो? इतना हम पढ़ते सुनते हैं तो हमारा धर्म कैसे हो? हम भूल जाते हैं। प्रॉब्लम समझ में आ गई सबका? इधर प्रॉब्लम होता थोड़ी, इधर है प्रॉब्लम। क्या हुई कि हम प्रवचन सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं, पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो हमारा धर्म कैसे होगा? प्रश्न समझ में आ गया सबको? है प्रॉब्लम? हमें 24 घंटे चिंतन चलना चाहिए आत्मा का,
नहीं, हमें तो 24 घंटे भोगों का चिंतन चलता है, मार्केट का चलता है, बिजनेस का चलता है, और जो जो चलता है, राग देश का चलता है, तो हमारा कल्याण कैसे है? प्रश्न समझ में आ गया कुछ पारस? प्रश्न समझ में आया? तेरा नाम क्या भैया? भरत। बच्चे को लेके नहीं, आप पीछे हो जाइए, और डिस्टर्ब होगा तो आप तो हो गई, लेकिन हम सब भी होंगे पीछे। उधर कुर्सी भी बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं, सुनाई पड़ेगा आपको, है ना? बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। फिर से धारा चालू हो जाए, मैं चाह रहा हूँ। प्रश्न समझ में आया राहुल? हम प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, रटते हैं, लेकिन जो फ्लो चलना चाहिए, फ्लो समझिए, दिन रात आत्मा का चिंतन वैसा तो नहीं चलता, हमें बैराग का भाव तो नहीं आता, बैराग बैराग बैराग, तो फिर धर्म कैसे हो? प्रश्न समझ में आया? तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि धर्म क्या चीज़ है। धर्म है तत्व का निर्णय और प्रतीति। क्या बोला मैंने? तत्व का निर्णय और प्रतीति। ये निर्णय और प्रतीति क्या होती है? जिसके बल पर धर्म होता है, अब उसे समझेंगे अपन। प्रॉब्लम तो याद है ना आपको कि हमें दिन भर चिंतन नहीं चलता, मंथन नहीं चलता, हम प्रवचन सुनते हैं तो अच्छे भी लगते हैं लेकिन भूल जाते हैं, और जब उठते बैठते खाते पीते तो कमाने में लग जाते हैं। तो हमारा दिमाग, हमारा उपयोग आत्मा में तो नहीं जाता, तो हमें धर्म कैसे हो? प्रश्न पर बता दिया, अब उत्तर उसी में तुम्हारा उत्तर छिपा है। अभी तो हम बता रहे हैं कि हम तो हताश हो गए, पाठशाला नहीं चलाएंगे, अब क्या होगा, समाज में हमारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, नहीं, उसी का उत्तर दे रहे हैं आपको। समझना ध्यान से, कभी ऐसा नहीं सोचना, अब उसका उत्तर सुनो। तो निर्णय और प्रतीति क्या चीज़ है? ध्यान रखना, दुनिया में एक भी काम चिंतन से नहीं होता। क्या बोला हमने? अब देखो उल्टी उल्टी बात लग रही है, वैसे कैसे करने? चिंतन के बिना मोटरसाइकिल चला रहे हो? चलाते हो आप, सोच सोच के चलाते हो। अब बस क्या कहलाता है, एक्सीलेटर दो, अब बिसल बजाओ, सोच सोच के करते हो क्या? सामने से चार वाहन आ रहे हैं, छह उसके पीछे आ रहे हैं, दो साइड में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे सोच सोच के गाड़ी चलाते हो? बोलो, एक बड़ा बड़ा भारी ट्रक आ रहा है रिलायंस का और वो टैंकर का आ रहा है, एक 4x6 का आ रहा है, एक 2x3 का आ रहा है, और सड़क इस समय 12 फुट की है, कितना नीचे उतरेंगे? 4 इंच नीचे उतरो, 2 इंच आगे सरको, ऐसे मोटरसाइकिल चलाते हो? देखा आपने ज्ञान कितना अच्छा है? ज्ञान को बोलूं बहुत अच्छी भाषा, ज्ञान को कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ती। कंप्यूटर में कमांड देना पड़ता है ना, तब काम होता है, ऐसे ज्ञान में कमांड नहीं देनी पड़ती है, ऑटोमेटिक चलता रहता काम। जैसे मोटरसाइकिल चलती है, जैसे कार चलती है, जैसे दुकान चलती है, जैसे महिलाएं भोजन बनाती हैं, बिल्कुल उसी विधि से धर्म होता है। सोचना पड़ता नहीं है, वो धर्म हो जाता है। बोलो, खुश हुए कि दुखी हुए? खुश क्यों हो गए? सोचना भी नहीं पड़ेगा, सोचने पर तो सिर दुखने लगता है। जो लोग सामायिक के नाम पे ऐसे बैठ जाते हैं ना ऐसे, अब वो सोचते हैं, नकली सोचना है उनको, नकली सोचना, समझ गए? मैं ज्ञायक हूँ, मैं आत्मा हूँ, आहा ओहो, तो वो नाटक करते करते थक जाते हैं बेचारे, सिर दुखने लगता है उनका। अब करके देखो नकली, एक एक मुनिराज का नाम लो, नमस्कार करो, सिर दुखने लगेगा आपका। एक एक आचार्य का नाम लो, याद करके करो, तो आपको सिर दुखेगा। इसका मतलब क्या है? जैसे मोटर कार चलती है ना, वैसे ही सम्यक दर्शन होता है। जैसे मोटर कार चलती है, समझ गए? मोटर कार सोच सोच के नहीं चलानी पड़ती। अब लेफ्ट मोड़ो, अब राइट मोड़ो, ऐसे सोचना भी नहीं पड़ता। आपने देखा है, जैसे तुम्हें करोड़ों का कारोबार हो, वो कोई टेंशन है कि वो 5 करोड़ रुपये नहीं दे रहा और लेने जा रहे अपन, तो पूरे रास्ते उसी की फ्लैशबैक दिखती है, वो क्या कहलाती पिक्चर, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं ऐसे बोल दूँगा, ऐसे कह दूँ, ऐसे कह दूँ, वो बिल्कुल वही दिख रही, और गाड़ी ठीक चल रही है, गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है। और यदि हम आपसे पूछें ना, क्यों रास्ते में आपको फला मिले क्या? हमें खबर नहीं, तो आप देख नहीं रहे थे क्या? बोलो, देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? सही बात बताएं पंडित जी, वो
देखना ध्यान से, आँख देख रही थी लेकिन हम नहीं देख रहे थे, हमें तो वही वही दिख रहा था जो प्रॉब्लम है। बोलो गलत कह रहे, बोलो। तो ज्ञान गुण की एक सुंदर विशेषता है, वो काम करते ही चला जाता है, आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सुलझेगी इसमें से। हमें ऐसा लगता है धुन चढ़ जानी चाहिए, चार छः घंटे आठ घंटे उसी उसी की, इसमें से अजैनों की भक्ति निकली राम धुन, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि हम इंटेंशनली करेंगे तो वो धुन होगी, वो लगन होगी, वो भक्ति होगी। तो अजैनों ने क्या किया, वो करना शुरू कर दिया 24 घंटा। जामनगर में 25-26 साल से कंटिन्यू राम का नाम जप रहे हैं वो लोग, एक सेकंड भी ब्रेक नहीं हुआ। जिस दिन भूकंप आया था ना उधर का कच्छ वाला, उस दिन भी राम धुन बंद नहीं हुई। और वो मंदिर है जामनगर का सरोवर के सामने, वो मंदिर कभी ताला ही नहीं लगता, 24 आवर खुला रहता, 24 रात को भी लोग राम धुन बजती रहेगी। मैंने इतनी घटना हुई 20-25-26 साल में, लेकिन वो राम धुन खत्म नहीं हुई। तो वो कहाँ से निकली कि अब ऐसे मैं गायक हूँ, ये ड्रामा करने की जरूरत कहाँ है, ये ड्रामा कह रहा हूँ, ड्रामा है, ये ड्रामा मत करो। सुना 96,000 रानियों के बीच वो गायक नहीं याद करता, तो अभी गायक भूला नहीं, इसका नाम धर्म है। सेना में खड़ा हुआ है और सम्यक दृष्टि है, युद्ध कर रहा है और सम्यक दृष्टि है, सोचो कैसे होगा सम्यक दर्शन। युद्ध करते समय गर्दन काटोगे कि नमुकानंद पड़ोगे, बोलो भाई, तुम्हारा तो नाम ही भरत है। सोचो जरा शांति से, मतलब बहुत मर्म की बात बता रहे हैं। हमारा दिमाग ये चलता है कि हम उसे याद करें, जैसे अभी ऐसे आप जाओ भोजन करो, भोजन करते करते प्रवचन याद आए तो लगता है आप धर्मात्मा हैं, और भोजन याद नहीं आए तो ओ एक घंटा प्रवचन सुना, इतना अच्छा प्रवचन सुना और सब गायब। ये सबकी प्रॉब्लम है, सबकी। पंडित जी मंदिर में रहो तो परिणाम अच्छा रहता है, और घर जाओ तो साफ, क्या करें पंडित जी, इसलिए आपका ही धर्म होगा, हमारा तो हो ही नहीं सकता। तो समझ गया प्रश्न, समझ में आ गया, तो फिर उत्तर समझाऊं, ऐसा नहीं है। धर्म करने के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा विकल्प नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल निर्णय चाहिए। यदि आपका निर्णय है, जैसे दृष्टांत, तुम कौन हो बेटे, जवान हो कि बूढ़े, बच्चे हो, बालक हो, तो तुमको निर्णय करने, इसका निर्णय है कि ये बालक है, तो क्या इसको बार बार सोचना पड़ता है, मैं बालक हूँ, अभी जवान नहीं हूँ क्योंकि मूछ नहीं है, अभी मैं बूढ़ा नहीं हूँ क्योंकि दांत नहीं गिरे, इतना चिंतन करना पड़ता है इसको बालकपने की अनुभूति करने के लिए, मैं बालक हूँ क्या मेहनत करनी पड़ रही, तो मैं युवा हूँ ये इसके लिए क्या मेहनत करनी पड़ रही, तो मैं भगवान आत्मा हूँ, जैसे बालक का निर्णय है तो अनुभव हो रहा है, ऐसे मैं आत्मा हूँ देह से भिन्न, एक सेकंड में निर्णय हो जाएगा, चिंता नहीं करो। एक्चुअली हम आर्टिफिशियल निर्णय करते हैं ना, वो उससे मारे जाते हैं। बोलो सम्यक दर्शन चाहिए पारस, अब भी हाँ, बहुत सरल, बहुत कठिन ही नहीं, ये तो पक्का पता है, नहीं राग का ढेर है, अभी जला देंगे यदि अपन निकल जाए तो बस मोह खत्म हो गया, बस खत्म। अब इसका मतलब ये थोड़ी रोटी नहीं खाएंगे, इतना पता होना चाहिए कि ये मैं नहीं हूँ, बस पक्का पता है ना, कौन कौन की बॉडी नहीं जलाई जाएगी, बोलो कौन की देह नष्ट नहीं होगी, बोलो पक्का है ना, तो अब इसमें मुँह खत्म हो गया। अब भोजन तो करेंगे, कपड़े तो पहनेंगे, लेकिन कैसे करेंगे पता है, जैसे अपनी कार है मेंटेन करते हैं, सफाई भी करते हैं, पेट्रोल भी डलवाते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि ये मैं हूँ कि नहीं हूँ, मोटर कार में नहीं हूँ, तो करते हैं बस, ऐसे हम साक्षी हो गए, ऐसे निर्णय होने के बाद हम ज्ञाता रह गए, बस ज्ञाता होना नहीं है, ज्ञाता ही हो तुम, जानने की सेवा क्या कर रहे, बोलो भाई, अभी आपने सिर हिलाया तो तुमने हिलाया तो इसके ज्ञाता हो कि नहीं, बोलो, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, जान ही तो रहा हूँ,
अपन कार में बैठ के आए तो कार चल रही है, अपन ध्यान क्या था और कर क्या रहे थे उसमें अंदर, वह हो गया समय दर, इतना सरल का निर्णय है बस। ये मैं नहीं हूँ भाई, कितनी याद रखोगे, ये मैं नहीं बस खत्म, निपट गई गाड़ी। तो फिर मैं कौन हूँ? तो सुनो, अब मैं कौन हूँ कि मैं जानने देखने वाला एक आत्मा हूँ। कैसा है होता है जानने देखने वाला आत्मा? वो अनादि अनंत होता है, अमर होता है, सुखरूप होता है, जैसे सिद्ध भगवान। बस खत्म हो गया। ओ तो मैं सिद्ध के समान हूँ, हो गया काम, बस इतने में तो काम ही हो गया। निर्णय की प्रतीति होती है, समझे? दृष्टांत दूँ? अब दृष्टांत देता हूँ, अब थोड़ा दृष्टांत देंगे तो पक्का हो जाएगा। देखो, 25 साल तक लड़का कुंवारा था और एक सेकंड में शादी हो गई, एक सेकंड, समझिए। उस पति कब बनते हो? छह फेरे तक पति नहीं बनते यार। और जब दो चार दिन की प्रोसेस होती लंबी चौड़ी महीना भर की, उससे पति नहीं बनते, पति बनते हो 7 राउंड कंप्लीटेड। नहीं समझ में आता? 7 राउंड, हाँ राउंड पूरा नहीं हुए तो नहीं, 6.5 पे नहीं, 7.5 पे वो 7th राउंड कंप्लीटेड। फिर एकदम जो एहसास आता है वो सम्यक दर्शन है। उस समय क्या सोचते हो बोलो, तुमने क्या सोचा था भारत जब 7 राउंड कंप्लीट हो रहे थे, उस समय क्या सोच रहे थे? अब तुम्हें पता ही नहीं, लेकिन तुम पति बने कि नहीं बने, अब सोच कुछ नहीं रही थी, पता ही नहीं कुछ क्या सोचा था। कोई भी बता दे माई का लाल उस समय क्या सोच रहा था, कोई ऐसा भी ऐसा सोचता है क्यों? हाँ पति बन गया, ऐसा भी नहीं करता कोई, मतलब इतना साइलेंट ऐसे खड़ा रहता है। पुराने जमाने तो पत्नी रोती रहती थी, मतलब भावरों के टाइम वो रोती रहती थी, रोते रोते भी पत्नी बन जाती है वो, नहीं समझे? वो ऐसे सोचती है 6 में अभी नहीं बनी, 5 में नहीं बनी, 7वां ओ बन गए, इतना सोचती है कोई? क्या कमाल है, केवल निर्णय का कमाल है, ये कह रहा हूँ, विचार का कमाल नहीं है ये बताना है मुझे। हम लोग विचार पर ध्यान देते हैं ना तो सम्यक दर्शन कठिन हो जाता है। विचार नहीं करना, निर्णय करना है, ये देह मैं नहीं हूँ, मैं जानने वाला आत्मा हूँ, आत्मा अनादि अनंत है, निपट गया काम। अब इसको हम ग्लैमर नहीं दें, आर्टिफिशियल करने की कोशिश नहीं करो, ओह देह थी भिन्न, ये क्या नाटक कर रहे थे? बोलो तुमने क्या सोचा था, तुम्हें याद है कुछ? थोड़ा थोड़ा याद हो तो बताओ। 7वें राउंड के कंप्लीट होते समय क्रीज में पैर रखते ही, क्रीज समझ गए, मैंने साझा 7वां कंप्लीट हो गया तो कुछ हुआ? कुछ आते ही पता नहीं, लेकिन इतना कन्फर्म है कि मैं हस्बैंड बन गया, खत्म, बराबर है। अच्छा अब फिर आगे बढ़ते हैं। तो तुम 25 साल तक कुंवारे थे और एक सेकंड में शादीशुदा हो गए, मतलब पति बन गए। तो अब एक्सपीरियंस ज़्यादा काय का है आपके पास कुंवारे का, तो इस एक्सपीरियंस को हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप हस्बैंड बन गए आप, तो वो कुंवारेपन का कैसे मिटाते हो सब? वो 25 साल का जो एक्सपीरियंस था उसे कैसे मिटाते हो? फीलिंग को कैसे मिटाते हो? कितने बार तो बात करने पड़ती है, कितना दान देना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, कुछ नहीं मिट जाता है। तो ऐसी अनादि काल का मिथ्यात एक समय मिट जाता है। अनादि काल का मैं लड़का हूँ और एक दिन खबर पड़ी, तुम तो आत्मा हो, बढ़िया, इतने में सम्यक दर्शन हो गया। तुम सम्यक दर्शन के नाम पर मरोगे और कुछ नहीं होगा। अब बोलो सम्यक दर्शन सरल है कठिन? आगे चलो। अब निर्णय, अब ये देखो निर्णय हो गए ना, अब सुनो, अब तुम पत्नी से बार बार कहते हो मैं हस्बैंड बन गया, फिर दोस्त मिले हस्बैंड बन गया, फिर मम्मी पापा आशीर्वाद दो हस्बैंड बन गया, ऐसे करता है कोई? क्यों ऐसा कोई करता है? मैं हस्बैंड बन गया, फिर वो मेडिटेशन करने बैठ गया तो पत्नी ने पूछा क्यों क्या कर रहे हो? 25 साल का कुंवारापन भुला रहा हूँ और अब मैं पति बन गया ना, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं पति बन गया, समझ गए? क्रैक खिलाओगे?
वो पत्नी या तो आजकल की पंचम काल की हो तो डाइवोर्स दे दे और नहीं तो फिर वहाँ ले जाए भर्ती कराने के लिए वो मेंटल हॉस्पिटल कि पप्पा तुमने देखा नहीं ये तो डिस्टर्ब है। अब सोचो जरा, मैं घटा के बता रहा हूँ, आत्मा का विचार करके आत्मा का अनुभव करना ये मेंटल डिस्टर्ब है। गाथा याद कर करके अमुक गाथा में कितनी गहरी बात आई, आह बहुत गहरी बात आई, उपयोग को अंदर ले जाऊंगा, सूक्ष्म उपयोग करूंगा, डूब जाऊंगा, ये सब बकवास। मैं जानता हूँ ये सब चल रहा है पूरे देश में, ये ट्रेडिशन चलता है जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने इस समय में हो सकता है अकेला हूँ, बाकी यही ट्रेडिशन चलता है और इसलिए कठिन हो जाता है, इमेजिन करके परेशान हो जाता है और फिर घबरा के पारस क्या करते हैं, फिर चूल्हे में जाए, हम भाई मिले तो मिल जाए आत्मा, नहीं मिलते चूल्हे में जाए, दिखता कुछ है नहीं, अंधेरा अंधेरा दिखता है। और क्या करें, माला गिन लेंगे और क्या करें, माला पढ़ लो और बोलो भैया दान ले लो भैया और बोलो, मैंने ये हार जाता है आदमी, हार जाता है, उसको लगता है आत्मा नहीं मिल सकता, आत्मा बहुत टिपिकल चीज़ है, जबकि आत्मा सबसे ईजी चीज़ है। और यदि इजी ना हो तो शेर को कैसे सम्यक दर्शन हो गया, कितने लेक्चर सुने थे शेर ने, बंदर ने कितने सुने थे, नेवला ने कितने सुने थे, सर्प ने कितने सुने थे, बताओ। इसका मतलब इजी है वो चीज़, हमें मेरी पता नहीं, मेरी अंदर से इच्छा होती है इजी रखो सर, टिपिकल मत कर, तुम्हें आज ही ऐसा लगना चाहिए भारत ओह मैं निहाल हो गया, यही इतना सा तो मुझे पता ही है, ये तो मुझे ऑलरेडी पता ही था क्या, ये शरीर राख का ढेर है, ये तो सबको ही खबर थी, ओहो लेकिन आज मालूम पड़ गया मैं सिद्ध भगवान के समान शुद्ध निर्मल आत्मा हूँ, मात्र ज्ञाता हूँ, इतना मालूम पड़ गया, होना नहीं है होना नहीं है हो, अब ये निर्णय हो गया, अब निर्णय हो गया तो फिर क्यों, फिर क्या करते हो, तुम्हारे कितने साल हो गए शादी के, डरो मत, 8 साल 10 साल 16 साल बहुत हो गए, कोई बात नहीं 16 साल, तो 16 साल में पत्नी को भूल नहीं पाए तुम, मैंने याद करना पड़ा कभी कभी कभी, बोलो अरे तुम कितनी बार रोज सोचते हो सी इज माई वाइफ, ऐसे कब सोचना पड़ा, कभी नहीं सोचना पड़ा और भूले कभी हुआ नहीं, ऐसे आत्मा का याद करना नहीं पड़ता और भूलते हैं, केवल निर्णय का कमाल बता रहा हूँ, निर्णय का कमाल, सोचना पड़ता नहीं है और भूलते हैं नहीं, जैसे पति पत्नी की अनुभूति सहज है ऐसे भगवान आत्मा की अनुभूति सहज है, सम्यक दर्शन सहज है, लिखा है मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, सदगुरु कहे सहज का धंधा, सहज का धंधा समझिए, सहज का धंधा, श्वास तुम्हें सोच सोच के लेते हो, सुबह से कितनी हो गई अभी तक पता ही नहीं, जैसे श्वास ऑटोमेटिक लेते हो ऐसे आत्मा की अनुभूति ऑटोमेटिक होती है, तो फिर अब हमें कुछ करना है कि कुछ नहीं करना, तो हो गया काम, क्या हो गया, तो अब आज तुम क्या बोलोगे घर में जाके सबको, हूँ मोक्ष जाई रही हो छू, हाँ और क्या, सम्यक दर्शन के बाद कहाँ जाते हैं, मोक्ष मजा करो बस खत्म, मजा करो, ऐसे कैसे मजा करो, एक्चुअली हमें आर्टिफिशियल चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होता, उनको सहज का धंधा है। अब मैं और आगे बताता हूँ, अब मैं उस सूत्र का नाम बता रहा हूँ जो तत्वार सूत्र में लिखा है, तत्वार सूत्र है, तत्वार सूत्र, उसमें एक सूत्र है लब्धि उपयोगो भावेन्द्रियम, क्या नाम बोला हमने, लब्धि उपयोगो भावेन्द्रियम, अब लब्धि उपयोग क्या चीज़ होती है, जो लोग नए हो उनको ध्यान से सुनना, लब्धि और उपयोग, आपने एक शब्द सुना है उपलब्ध है, सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो उपलब्ध बना तो उप हटा दो तो लब्ध है माने प्राप्त है, बराबर, लब्ध माने प्राप्त और उपयोग माने यूज करना, बोलो सरल भाषा में उपयोग का मतलब भाई पानी का उपयोग करो, बिजली का उपयोग कम करो, उपयोग करो माने यूज करना, और लब्ध माने टोटल हमारे पास कितना है, बहुत सरल एग्जाम्पल दूँ, लब्ध उपयोगो भावेन्द्रियम, सूत्र याद होगा, लब्ध उपयोगो भावेन्द्रियम, अभी जरा जस्ट बिल्कुल सिंपल समझाऊँ, एक ही बार में समझ में आ जाएगा भारत, बराबर, तुम्हारे पास
एक खरब रुपया है, दृष्टांत है, मुझे पता नहीं, एक खरब रुपया जी कहलाएगा लब्ध, और तुमने एक लाख रुपया खर्च कर दिया जी कहलाएगा उपयोग। समझ में आ गया कुछ? अब मान के चलो, पॉइंट पकड़ो जरा, किसी दिन तुमको केवल एक नींबू की जरूरत थी, एक नींबू की, और तुम मार्केट में गए और सब्जी वाले से कहा एक नींबू देना, तो एक रुपया पेमेंट कर दिया। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक रुपये का पेमेंट करते समय भी आप खरबपति हो कि एक रुपया पति हो, माने गरीब आदमी हो? एक रुपया, बस एक रुपया, हमने अपनी आंखों से देखा, क्या देखा, एक रुपया खर्च कर रहे थे, वो एक रुपया खर्च कर रहे थे। तो एक रुपया खर्च करने से धनी कहलाता है या लब्ध से धनी कहलाता है? लब्ध, समझ गए? हाँ, माने तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितना पैसा है कि जितना है वो सब लब्ध, बैंक बैलेंस लब्ध, जेब में रखे हुए नोट लब्ध, और खर्चा कितना करा, एक रुपया। तो आप पैसे खर्च करने से नापते हो पैसे वाले को या लब्ध से नापते हो? बोलो, पक्का हो गया? चलूँ आगे, चलूँ? ऐसी आत्मा पूरा का पूरा लब्ध है, इतना सा ज्ञान यूज करते हैं, इतने से ज्ञान से आत्मा को मत नापो। तो तुम अभी क्या मानते हो, इतना सा ज्ञान है, बहुत थर्ड क्लास आत्मा, इतना सा ज्ञान है, हम भूल जाते हैं, इतना सा ज्ञान है। पंडित जी याद ही नहीं रहता, तो याद नहीं रहता वो कंज्यूमशन की तकलीफ है। क्या कहा, बोलो भाई, अमीर आदमी कितना खाते हैं और गरीब आदमी कितना खाते हैं, जल्दी बोलो। नहीं, हम गिन के बताओ। हाँ, जितना भूखे उतना खाते। अब मान लो अमीर आदमी ने उपवास कर लिया तो गरीब थोड़ी हो गया, अमीर आदमी ने उपवास कर लिया, नहीं सब आज पानी अकेला पिएगी तो क्या गरीब हो गया क्या? और आज गरीब आदमी ने 6 रोटी खा ली तो क्या अमीर हो गया क्या? वो पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बोलोगे अच्छी भाषा में, उपयोग उपयोग के आधार से निर्णय नहीं होता। क्या बोला? उपयोग के आधार से निर्णय नहीं होता। बराबर समझ में आया? महावीर भगवान की 66 दिन तक देवी धोनी नहीं खीरी, पता है? महावीर भगवान की 66 दिन तक देवी धोनी नहीं खीरी, क्योंकि उस समय वो अज्ञानी थे भाई। यदि उन्हें कुछ आता तो बताते, नहीं समझ में आया? यदि महावीर भगवान कुछ आता, केवल ज्ञान होता, अक्कल होती तो समझाते, नहीं समझाते? अब कैसे ना आपने, बोलो, सुनो, केवल ज्ञान को, दिव्य ध्वनि को हम दिव्य ध्वनि के खिलने से नहीं नापते। पॉइंट पॉइंट बोलो, उपयोग से निर्णय नहीं होता। उपयोग समझ गए? उपयोग मतलब, हाँ, यूज, वेरी गुड, बहुत सुंदर, जो खर्चा करते हैं वो उपयोग। बराबर समझ में आया? एक दृष्टांत, ये पंखा है ना, ये चालू की बंद है, तो बंद है तो क्यों रखा है इसको? अब सोचो जरा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये चालू है कि बंद है? पकड़ में आ गया नहीं आया? अब क्या कमाल है, बंद होने पर भी चालू है, चालू नहीं हो तो रखते क्यों हैं? चला नहीं रहे वो अलग बात है, चला नहीं रहे ये अलग बात, लेकिन चालू है। हाँ, उपयोग नहीं है लेकिन लब्ध है। अभी बोलो, आज तक आत्मा था तो तुमने उपयोग नहीं किया था। अब आत्मा को बनाना है, लाना है, सुधारना है, रिपेयरिंग करना है, पंखा सुधारना है, क्या करना है? वो कुछ नहीं करना, उपयोग उपयोग करो बस। आज तक तुमने आत्मा का उपयोग नहीं किया, इतना अंतर तो है, लेकिन आत्मा तो 100% की 5%, मिथ्या दृष्टि का आत्मा कितना परसेंट, अच्छा सिद्ध भगवान का आत्मा कितना परसेंट, और तुम्हारा, ये कोई फर्क नहीं। ये तो ऐसी बात हो गई, दृष्टांत की बात है, दृष्टांत, और डरना नहीं। भरत और अंबानी दोनों इक्वल रैंक के पैसा वाले, इक्वल रैंक के। अब अंबानी ने 1 रुपया खर्च किया और इनने नहीं किया, इन्हें जरूरत नहीं थी, कुछ खरीदना नहीं था, ऐसे खड़े थे आराम से। तो लोग कहने लगे, देखो अम्बानी कितना बढ़िया आदमी, 1 रुपये का नींबू खरीदा, और बेचारा कंजूस, चीज, अरे बेचारा, कोई होता तो खर्चा करता,
बोलो काय से नापते हो आप? उपयोग से नापते हो कि लब्ध से नापते हो? बोलो, पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? अब हम आपसे पूछ रहे, सिद्ध भगवान केवल ज्ञान कंज्यूम कर रहे, तुम कंज्यूम नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारी पार्टी और अंबानी की पार्टी एक जैसी, ऐसी मेरी पार्टी और सिद्ध भगवान की पार्टी? ओह खुश हो जाओ, लब्ध में तो मैं पूरा हूँ। कंज्यूमशन भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। अरन सिद्ध भगवान और मेरे में क्या अंतर है? दे आर 100% कंज्यूमिंग, हम नहीं कर रहे, हम जरा से कर रहे। रसगुल्ला खाया है? खाया होगा, और जब तुम छोटे थे तब भी खाया होगा, तो खाने की स्टाइल में क्या फ़र्क हो गया? एक फ़र्क हो गया कि जब हम छोटे थे ना बच्चे, और अच्छी चीज़ मिलती थी, रसगुल्ला वगैरह, गुलाब जामुन ऐसे खाते, ऐसे अब पारस ऐसे खा सकते तुम डफर सिस्टम में? क्यों डफर सिस्टम में खा सकते? ऐसे ऐसे खा सकते, ऐसे 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 खा सकते हैं? और डबल सिस्टम में बने ऐसे चम्मच नहीं पॉइंट में आया? दृष्टांत में ऐसे ही समझा रही है। अरहंत सिद्ध भगवान पूरा का पूरा तीन लोग तीन काल को ऐसे खा जाते हैं, खा जाते मतलब जान लेते हैं। तो कंज्यूमशन का फर्क है, लेकिन मैं ऐसे कंज्यूम करता हूँ, थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करता हूँ, लेकिन क्वालिटी। अब आपको समझ में आता है? इसी समय मिथ्या दृष्टि को कह रहा हूँ, ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टि। अभी बिल्कुल अंतर नहीं मानना अपने को, मिथ्या दृष्टि भी वही कंज्यूम कर रहा है जिस क्वालिटी की चीज़ सिद्ध भगवान कंज्यूम कर रहे हैं। बस वो अखंड कंज्यूम कर रहे हैं, तू खंड खंड कंज्यूम कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे कैसे खाते? तोड़ तोड़ के खाते। और अनंत भगवान सिद्ध भगवान सीधा कंज्यूम कर जाते हैं, तीन लोक तीन काल सकल द्रव के गुण अनंत, और जाए अनंता जाने एक एक काल। तो क्या फर्क पड़ा? फर्क क्या पड़ा? मैं ये सम्यक दर्शन है, आनंद करो। सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? वाह बढ़िया, सब आ ऐसे बोलना चाहिए हैं कहेंगे। इसलिए तो मैं लॉजिक दे रहा हूँ ना, आप में और तुम आत्मा हो ना, और वे भी आत्मा है, तो तुम्हारे उनमें कुछ अंतर ही नहीं है। बस अंतर नहीं देखने का नाम सम्यक दर्शन है। तुम एक रुपया खर्च कर रहे हो, अंबानी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि अंबानी मेरे से बड़ा हो गया, वो ज़्यादा खर्च कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ा हो गया। ये है वो बात कि सिद्ध भगवान मेरे से बड़े नहीं है। किस अपेक्षा? लब्ध अपेक्षा, उपयोग की अपेक्षा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा तो तुम क्यों एक ही रुपये का नींबू खरीद सकते हो भरत? बस 100 रुपये का एप्पल नहीं खरीद पाओगे, हापुस नहीं खरीद पाओगे? खरीद सकता हूँ, बोलो कब खरीदना है? तो खरीद लेंगे। क्यों फिर पूरा बर्ड नहीं खरीद सकते? खरीद लेंगे, बोलो। अभी जरूरत नहीं इसलिए नहीं खरीद रहे, पॉइंट। अभी जरूरत नहीं इसलिए नहीं खरीद रहे, जरूरत पड़ेगी तो सकल द्रव गुण के गुण अनंत पर जाए अनंता हम भी जानेंगे। बोलूँ एक बहुत मर्म की बात? बोलूँ? सुनना ध्यान से, नींद आ रही तो ध्यान से सुनना। नाम क्या है आपका? विनय। वेरी गुड विनय, ध्यान सुनना। सकल द्रव गुण अनंत, ये सुना है? नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सरल कर दूंगा। बोलो, देखो आप में से कोई नए, मुझे तो दिख नहीं रहे कोई नए, सब पुराने ही दिख रहे हैं, इसलिए यदि कठिन पड़े तो इतना सा हाथ खड़ा कर देना तो मैं सरल कर दूँगा। चाहे कोई सी चीज़ समझ में नहीं आती, इतना सा हाथ खड़ा करो तो सरल कर दूँगा, बराबर। अब अभी काम की बात बोलता हूँ, सुनना ध्यान से, बहुत मजे की बात है। सिद्ध भगवान में मेरे में कोई अंतर नहीं है। वे जिनको जानते ना उनका भोग नहीं करते, और मैं जिनका भोग नहीं करता हूँ उन्हें नहीं जानता। क्या कहा, समझ में आया किसी को? क्या फर्क है सिद्ध भगवान में मेरे में? सिद्ध भगवान जिन्हें जानते हैं उन्हें भोगते नहीं। तीन लोग तीन काल को भोगते हैं, तीन लोग तीन काल को जानते हैं, लेकिन भोगते तो नहीं है। और मैं जिसे जानता नहीं हूँ भोगता नहीं। तीन लोग तीन काल को मैं नहीं जानता, तो वे भी नहीं भोगते और मैं भी नहीं भोगता, और लब्ध के मामले में बराबर है। और कंज्यूमशन जिस दिन करना हो कर लेंगे। अब बताओ कमी क्या बची? सोचो जरा शांति से। कमी, पंडित साहब की रचना पढ़ो, कमी नहीं कुछ दिखलावे, कमी नहीं कुछ दिखलावे, कमी कुछ कमी नहीं दिख रही। समझ में आया कुछ अंतर? के फिर से बोलूं,
अंबानी पे उतना ही पैसा, तुम पे भी उतना ही पैसा। अंबानी बहुत खर्चा कर रहा है लेकिन खाता नहीं, क्योंकि उसका उपवास है। और तुम्हारा आज उपवास, तुम्हारा भी आज उपवास है। तुम्हारा नहीं बना, उनके अब बना लेकिन नहीं खाते, और तुम्हारा नहीं बना तो भी नहीं खाते। फर्क क्या पड़ा दोनों में? फिर जल्दी बोल गया तो फिर से बोलूँ, दो आदमी ने उपवास किया। उपवास समझते ही हो, उपवास करने वाले दो आदमी, एक क्या बहुत भोजन बना लेकिन नहीं खाता, और एक क्या नहीं बना और नहीं खाता, तो उपवास में क्या फर्क होगा? तो सिद्ध भगवान बहुत जानते हैं लेकिन भोगते नहीं हैं, और मैं नहीं जानता हूँ, भोगता नहीं हूँ, तो हम दोनों में बड़ा अंतर क्या हुआ? बोला नहीं समझ में आया? नहीं समझ, अब और समझ, दृष्टांत देकर समझा दो। चल बेटे विनय है ना, नींद तो नहीं आई? हाँ चल घबराना नहीं। विनय मैं तुम्हें तीन लोग की संपदा दे सकता हूँ, चाहिए ले लो, लेकिन एक शर्त है, तुम उसे भोगोगे नहीं। बिल्कुल रजिस्ट्री कर सकता हूँ तीन लोग की संपदा, तीन काल की संपदा, लेकिन यू कांट टच, यू कांट स्पेंड, यू कांट कंज्यूम। ए चूल्हे में गए। बोलो क्या करोगे? तो सिद्ध भगवान ऐसे तीन लोग तीन काल को जानते तो हैं लेकिन फर्क क्या पड़ा? साकीनाका के मामले में, साकीनाका के मामले में पारस तुम ज्यादा जानते हो कि मैं ज्यादा जानता हूं? बोलो बोलो, डरा नहीं, क्या इससे क्या फर्क पड़ा? तुम जानते हो लेकिन किसी घर में घुस नहीं सकते, पिटोगे। और मैं नहीं जानता, मैं भी नहीं घुस सकता, मैं भी पिटूंगा। तो फिर साकी नाका के मामले में तुम्हारे में मेरे में क्या अंतर हुआ? तो तुम जी कहो मैं 10 साल से देख रहा हूँ जी बिल्डिंग बन रही है, 16 साल में जी बनी, 15 साल में जी बनी, सामने वो हवाई अड्डा है, ऐसा है वैसा है, तुम जानते हो, तो बिना टिकट तुम घुस सकते हो हवाई अड्डे में? मैं भी नहीं घुस सकता, तुम भी नहीं, बराबर अंदर। मतलब तेरे जानने और नहीं जानने में क्या फर्क पड़ा? मेरे जानने में और तुम्हारे जानने में क्या फर्क पड़ा? ऐसे अरण सिद्ध भगवान भी लोकालोक को जानते हैं लेकिन कांट इंटरफेयर, और मैं नहीं जानता लेकिन मैं भी कांट इंटरफेयर, बस निपट गई गाड़ी। इसीलिए लिखा है मैं सिद्ध भगवान के समान, समझ में आ गया पॉइंट? सिद्ध भगवान के समान ही हूँ आत्मा, छोटा नहीं बड़ा नहीं भगवान आत्मा। इस मस्ती का नाम सम्यक दर्शन है। कर सकते हो मस्ती भरत? भरते बोलो कर सकते हैं? हो गया सम्यक दर्शन, मोक्ष में चलेंगे अपन संग संग। पहले आगे चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, तो हमसे पहले चले जाना। क्या फर्क पड़ा? ये तो सोचो फर्क क्या पड़ा? ऐसी मस्ती की चर्चा है, गहरी गहरी चर्चा, खूब आनंद लो। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, समझ में आया? और दृष्टांत देता हूँ, अब दृष्टांत ही देना, मुझे समझा दिए जो समझाना था, समय दर्शन सरल हो गया बस। अब आगे चलो, चिंटी ज्यादा ताकतवर है कि तुम ज्यादा ताकतवर हो? डर नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, सिंपल उत्तर है। अच्छा हाँ, ये डरो मत, तो तुम ज्यादा ताकतवर बराबर। अब एक शेर सोया हुआ है, लाइन लाइन समझते हो, सोया हुआ है, उस पर 1000 चिंटियाँ चढ़ रही हैं कि वो सोया हुआ है, तो चिंटियों ने हाईवे बना लिया चढ़ने के लिए, पेड़ पर जाना है तो चींटी उसके ऊपर चढ़ के पेड़ पे जा रही, ठीक समझ गए? अब मैं आपसे पूछता हूँ, चिंटियाँ ज़्यादा ताकतवर है कि तुम ज़्यादा ताकतवर हो? भाई जो चिंटी चढ़ सकती है तो तुम तो चिंटी से ज़्यादा ताकतवर हो। तो तुम तो शेर पे चढ़ सकते हो ना, क्यों मेरे तुम चढ़ सकते हो, इससे भी ज़्यादा ताकत है तुम्हें। बोलो क्यों? शेर सोया हुआ है तो चढ़ जाओ, सोया हुआ है ना, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इस समय शेर की लब्ध से डर रहे हो आप, उपयोग से नहीं डर रहे हो। अब मैं कौन से कहूँ चिंटी चढ़ सकती, तुम नहीं चढ़ सकते, क्यों क्या बात है? चिंटी से गए भी थे हो कि पंडित जी चिंटियों की कोई विसात नहीं है, औकात नहीं है, शेर उठेगा एक ऐसे करेगा ना, सारे बाल उसके रोंग रोंग ऐसे होंगे एक झटके में, एक झटके में 1000 चींटी ऐसे चली जाएगी सारी सारी, लेकिन मैं
मैं निपट जाऊं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? आप उपयोग से काउंट करते हो या लब्ध से? शेर के लब्ध से डर रहे हो, बराबर है। अब इधर से आत्मा पे लगाओ। अनादिकाल से तुम्हारा आत्मा शेर की तरह सोया हुआ है, इसलिए कर्मों की चीटियां चल रही हैं, इसलिए विकल्पों की चीटियां चल रही हैं। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, ये भगवान बड़ा पाप करा, ये शादी कर ली, ये भैया व्यापार कर लिया, ये सुन, शेर के ऊपर चीटियां चढ़ रही हैं। शेर जिस समय जागेगा, मैं आत्मा हूँ, अरे चीटियां एक तरफ, विकल्प एक तरफ, विकल्प एक तरफ, विकल्प एक तरफ नहीं करना, अपनी महिमा आ गई, विकल्प एक तरफ हो गए। क्या बोल रहा हूँ? अपनी महिमा आई और विकल्प बता भैया, वो फिर वो मैं पति बन गया, ये विकल्प करना पड़ता है कि मिटाना पड़ता है? बोलो, कुंवारेपन का 25 साल का एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक गायब हो जाता है, करना पड़ता है? ऐसे ही ऐसे, यहाँ पर जैसे ही जागा निपट गया, कोई टेंशन, कोई टेंशन नहीं। तुम कौन हो? शेर हो। शेर की अपेक्षा कह रहे हैं, लब्ध अपेक्षा से आनंद शक्तियों के पिंड हो तुम सब, आत्मा हो, तुम में कोई कमी नहीं है। अब पता नहीं इसलिए सोए हो, पता नहीं इसलिए सोए हो, जागृत हो गए, आहा मजा आ गया, अब कुछ नहीं बचा। बोलो भाई, शेर क्या करेगा? सारी चीटी हुई लाइन से लगाएगा, एक एक जवाब दो, कैसे चढ़े टोल टैक्स दो क्यों? कुछ नहीं करेगा, तुम्हारी बोलो हट, ये सारे के सारे सारे ऐसे, जैसे आत्मा जागा और कर्म ऐसे, विकल्प ऐसे, राग ऐसे, ऐसे चला जाता है, मोक्ष हो जाता है, खतर। बोलो सरल है कठिन काम? अब सुन रहे ध्यान से, अब इतना निर्णय की जरूरत है, यदि आपका इतना निर्णय नहीं है तो तुम क्या कह रहे थे अभी? दोनों भैया क्या कह रहे थे? कौन बैठा था मेरे पास? तुम बैठे तो तुम क्या कह रहे थे? मेरी जिंदगी तो इसी में चली जाएगी, फिर क्या होगा, फिर हमारा क्या होगा, हमारे कल्याण का क्या होगा? नहीं नहीं, जिंदगी एक सेकंड भी बर्बाद नहीं जाती इस निर्णय के साथ। 6,000 रानियाँ हो, जिंदगी बर्बाद नहीं जाती, और 6 खंड का युद्ध हो, युद्ध युद्ध में चलता रहता है, और भरत चक्रवर्ती ऐसे ध्यान लगाते रहते, युद्ध के समय में ध्यान लगाते, युद्ध जीतने जाना था, 6 खंड जीतने जाना था भरत चक्रवर्ती को, तो बहुत अच्छा स्थान देख करके अष्टांग आ गई, अष्टांग तो देखी होगी, तो वो अष्टांग आ गई तो वो ध्यान में बैठ गए। सेनापति को बोला इधर आओ, 8 दिन तक हमसे बात नहीं करना, हम ध्यान लगाएंगे 8 दिन तक, अष्टांग का मनाएंगे, और तुम सब जो करना करो। ये भी नहीं कहा कि तुम क्या करो, क्या कह रहे, तुम्हें जो करना है करो, उसने कुछ नहीं कहा। तो घबरा गया सेनापति, अरे साहब किसी ने अटैक कर दिया था, तुम ध्यान में बैठ गए तो गुप्तचर से मालूम पड़ जाएगा ना कि इनका मूल राजा एक स्थान पर 8 दिन बैठा रहेगा, और तुम पे अटैक कर दें तो कुछ क्यों, कुछ कर दे, कुछ भी कर दे तो हम क्या करेंगे बता। और फिर सेना को कुछ गड़बड़ हो गई तो 8 दिन के बीच में कुछ मीटिंग करनी पड़ी तो निर्णय करना पड़ा था, तो भरत चक्रवर्ती इतनी अच्छी भाषा बोली, बड़ी सुनने लायक भाषा, वो आपका आप सबके काम की। भरत चक्रवर्ती बोले, भाई ये जो चक्ररत्न पैदा हुआ है तो 6 खंड जीतने ही हैं, इसे तुम निर्विकल्प रहो, बैठ गए 8 दिन के लिए छट्टी। समझ में आया कुछ? बोल दूँ तुम्हें, बोलूँ सम्यक दर्शन करना हो तो 6 खंड के बीच में सम्यक दर्शन, 96,000 रानियों के बीच में सम्यक दर्शन, तुम्हारे पास तो इतना सामान नहीं जितना उनके पास होता है सामान, समझ गए, पहनना मेहनना जिसके आके सोना चांदी हीरा माणिक, ये तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, बहुत होता है। तो अभी केवल देह भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, इतने में काम हो जाता है, केवल निर्णय के बल पर। बोल दो तुम्हें अभी, बोलो सुनो, ये पुण्य चक्र है, जैसे उसका सुदर्शन चक्र था ना उसका, ऐसे तुम्हारा पुण्य चक्र है, एक पैसा कम नहीं हुआ है, चिंता नहीं करना, यदि तुम उठ के भी मत जाओ ना आज तो भी प्रॉफिट होगा, तो भी दुकान चलेगी, तुम हिलो ही मत, तो तुम एक दिन दुकान मत जाओ पारस, ना चले तो कह देना। बोले क्यों, तुम थोड़ी चला रहे हो, पुण्य चक्र से होना है काम, जिसका पुण्य चक्र है उससे काम होना है, मैं निपट गई गाड़ी, अब अपन अपन करता कहाँ है,
सुनो, जिन शासन चक्र चलना है तुम चलाने वाले मानोगे तो दुखी होगे। तुम चलाने वाले होते को ना पाठशाला, फिर हमारा मन हतोत्साहित हो गया, कौन चलाए, कौन राग देश करे। राग देश मत करो, प्रयत्न करो। क्या बोला हमने? राग देश मत करो, प्रयत्न करो। प्रयत्न भी तुम नहीं करते हो, जिन शासन चक्र चलना है इसलिए तुम्हारा उतना राग करता है। वो सुनो, अभिप्राय से पुण्य पाप होता है, क्रियाओं से नहीं होता। ये शाम को ज़्यादा समझाएंगे तो आम सभा होगी, तो जनरल लोग भी आ जाएंगे तो शाम को समझा देंगे, अभी नहीं समझा रहे आपको। समझ आ रही बात? समझ आया? एक माँ बच्चे में दया पिटाई करती, पिटाई तो पुण्य बंद होता है कि पाप बंद? मारने के लिए थोड़ी बात। हाँ जी, इंटेंशन मारने का नहीं है। बोलो, एक आदमी ने दूसरे आदमी को चक्कू घोंप दिया तो पुण्य हो गई पाप? क्यों? बोलो, डॉक्टर ने भी चक्कू घोंपा हार्ट निकालने के लिए, ऑपरेशन करेगा ना, तो बोलो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? आपका अब समझिए ना, क्रियाओं से पुण्य पाप नहीं होता है। तुम 24 घंटे सेना में खड़े रहो सीमा पर, और एक सेकंड भी समय दर्शन नहीं रोक सकता, तुम्हारा इंटेंशन क्या है? नहीं तो फिर रामचंद्र जी युद्ध नहीं कर पाएंगे। बताओ, हमने तीर चलाया और सामने वाला मर गया, हमने तलवार चलाई और 100 लोगों की गर्दन कट गई, पुण्य होगा कि पाप? अब बोलो, बोलो। इसका नाम है जैन धर्म। ऐसे नहीं लल्लो लल्लू, क्या कहलाते हैं, लल्लू पल्लू माने ये भर गया जी, मर गया, मर गया है, मर गया, मर गया। इसका नाम है राजपूतों का धर्म। राजपूत अपन लोग राजपूत है, वो डरना नहीं, पता है नहीं पता, सब राजपूत है, क्षत्रिय हैं अपन सब लोग। ये तो राजपूतों का खान पान बिगड़ गया ना, इसलिए अब राजपूत कहने में शर्म आती है अपने। नहीं तो मूल महावीर होगा क्षत्रिय राजपूत, अपन सब राजपूत हैं, कोई डरो मत, क्षत्रिय हैं अपन सब। मैंने ऐसे तलवार लेकर देह मिला के हजारों आदमी काट के फेंक दी एक तरफ और मोक्ष चले गए। थोड़ा सुनने में डर लगता नहीं ऐसी बातें? कैसी बातें कर रहे हो? मैं ये सही बात कर रहा हूँ, मुझे ये बताना, क्रियाओं से नहीं होता, इंटेंशन से होता है। और नहीं तो ये घर भी नहीं सुधरेगा। फिर मम्मी डांटे नहीं, दंड ना दे, मारे नहीं, भोजन नहीं देंगे हम तुमको, पढ़ो, खीर नहीं देंगे हम, पढ़ो जल्दी से, तो ये दंड क्यों दे रही हो? तो पाप नहीं लगेगा क्यों? ऐसे पाप लगने लगे तो फिर कोई बच्चा को सुधार ही नहीं पाएंगे, और फिर पुलिस वाले भी पाप क्यों करें बताओ? दंड क्यों दें? और मजिस्ट्रेट दंड क्यों दें? और फिर क्यों तुम्हारी स्वास्थ्य के लिए नगर निगम का मेयर वो दवाइयाँ क्यों छिड़का है, DDT वगैरह? फिर तो बेचारे नरक ही चले जाएंगे सारे सारे। फिर तो मेयर तुम बनोगे नहीं, जज तुम बनोगे नहीं, पुलिस वाले तुम बनोगे नहीं, डॉक्टर तुम बनोगे नहीं, फिर क्या करेंगे भाई? फिर पूरे इंडिया के लोग क्या करेंगे बताओ? क्यों? पाप लगेगा, हर चीज़ में पाप लगेगा। सेना तुम बनोगे नहीं, पाप ही लगेगा। समझ गए कुछ? इंटेंशन से पाप पुण्य होता है, क्रियाओं से नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात क्यों कही मैंने? पाठशाला चलाने में चाहे जितना संकल्प विकल्प करना पड़े, कर्म बंद नहीं होता। ये इसके लिए कहा मैंने, चाहे जितना संकल्प विकल्प हो। सुनो, बोलूँ आपको हमारे पंडित साहब की भाषा, प्रवचन में आता है पंडित साहब के, आप सुन लोगे, सुना हो भी होगा। उनका कहना है, देश में अराजकता पापियों की वजह से नहीं होती, सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। क्या बोला हमने? दुर्जन दुष्ट उन लोगों की वजह से गड़बड़ नहीं होती, सज्जन निष्क्रिय हो जाए तो होती है। जैसे जैन शासन की घटोत्री पापियों से नहीं होती, शाम को पढ़ाऊंगा मैं, पापियों से नहीं होती जैन शासन की घटोत्री, सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। सुनो, दिगंबर मुनि दशा आए बिना कोई एक अंक में धर्म करने में समर्थ नहीं। कुछ कहा मैंने? क्या कहा? सुन रहे भी ये सब? सुनना सभी लोग। दिगंबर मुनि दशा आए बिना, और वो भी सातवां गुणस्थान, सातवें गुणस्थान के बिना कोई भी साधु भी
अकेले गुफा में बैठकर अथवा एकांत बिल्कुल जिंदगी भर बोले ही नहीं कोई से, जिंदगी भर बात ही ना करें, जिंदगी भर लिखे ही नहीं, दीक्षा ही ना दें, ऐसा नहीं होता। छठे गुणस्थान तक 100 साल हो आप, आचार्य कौन कौन स्वामी भी आपको देख करके ग्रंथ लिख गए, जितने आचार्यों का उपकार क्या है, हमें कोई मतलब नहीं है। सब आत्मा स्वतंत्र है, तुम चूल्हे छोड़ भाड़ में जाओ, वहाँ अपने आत्मा में जा रहे ऐसे आत्मा में नहीं जाता कोई, वहीं पकड़ में आया। और सुनो, दुकानदारी चलाने में जितनी कसाय होती है उससे असंख्यात गुनी कसाय मंदिर में करने पर भी धर्म होता है, धर्म होता है, धर्म भी होता है लेकिन पुण्य होता है। कैसी बात कर दी आपने, तो तुम जिस कह रहे मंदिर में हम कसाय करें, भाई हम जी नहीं कह रहे, हमारा मतलब है कि जरूरत पड़ने पर देश सास गुरु आमना की रक्षा करने के लिए हथियार तक उठाने पड़ सकते हैं। 5 इंद्री के विषय भोग के खाते जितना करते हैं उससे असंख्यात गुना करो, तब ग्रहित मिथ्या छूटता है। करने मत लगने झगड़ा, जरूरत पड़े तो, पॉइंट पकड़ में आएगा, जरूरत पड़े तो क्यों अन्य मतावलंबी मंदिर को बम से उड़ाए तो क्या करोगे आप, क्या करोगे बोलो, करना ही पड़ेगा। वो क्या करेंगे, जान दे करके भी रक्षा करेंगे, जान लेकर के भी रक्षा करेंगे, क्या कह रहे हो पंडित जी, तुम्हारे प्रवचन बहुत गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, जो है मैं प्रूफ कर रहा हूँ आपके लिए, नहीं समझ में आए बिना तो पूछना, प्रूफ कर रहे हूँ आपको, अधूरा वाक्य नहीं पकड़ लेना, नहीं तो घर जाते से तुम पुण्य शुरू कर दो, ले धनाधन दे धनाधन, बोले पंडित जी ने कहा था पुण्य शुरू, ऐसा नहीं चल रहा, इंटेंशन की बात चल रही है, इंटेंशन। हाँ जी, प्रश्न की प्रश्न, हाँ शाबाश, फिर अहिंसा का मतलब क्या रहा, अहिंसा के बहुत प्रकार है। जिस पंचम गुण स्थान तक, पंचम गुण स्थान हो जैसे मैं हूँ मान लो, पंचम गुण स्थान तेज सास गुरु की रक्षा करने के लिए प्राण ले भी सकता हूँ और दे भी सकता हूँ। पंचम गुण स्थान तक देव सास गुरु की परिवार की रक्षा करना है। रामचंद्र जी ने युद्ध पैसे लूटने के लिए नहीं किया था, राज्य पाने के लिए नहीं किया था रामचंद्र जी ने युद्ध, केवल अपनी पत्नी की रक्षा के लिए किया था और उसमें करोड़ों सैनिक मारे गए, मारे गए लाखों सैनिक मारे गए, थोड़े बहुत नहीं मारे गए, और करोड़ों विधवाएं हुई, करोड़ों विधवा हो गई। इसके बावजूद भी रामचंद्र जी को इतना सा पाप नहीं लगा, उसी वक्त से मोक्ष चले गए, क्योंकि इंटेंशन क्या है, पत्नी की रक्षा करना हमारा फर्ज है। अब हम क्यों, तुम्हारी पत्नी का कोई दृष्टा खराब, पत्नी को किडनैप कर देगा, कोई कुछ कर देगा, तो तुम जी कहो तेरी क्रमबद्ध पर्याय तुमने कर्म बांधे हैं, तुम्हारा उदय, अब मैं कसाय कर क्यों करूं, उससे मेरा तो कोई लेना देना है नहीं, तो मैं राग देश क्यों करूं, ऐसा करोगे बताओ, क्या करोगे। सुनो, चाहे दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत हो, आतंकवादियों से भी टकराना पड़े, किसी से भी टकराना पड़े, तो जान दे करके भी पत्नी की रक्षा करने से पुण्य होता है, पाप बंद नहीं हो जाएगा, स्वर्ग चले जाओगे, चिंता नहीं करना। अब जी सोचा ही नहीं होगा अपन कि पत्नी की रक्षा करने के लिए अपनी देह खो देने से स्वर्ग चले जाएंगे, किसे ना, हमारा द्वेष इंडिविजुअल नहीं है, द्वेष इंडिविजुअल नहीं। आपको बताया ना, रामचंद्र जी ने केवल पत्नी की रक्षा के लिए किया है, राज्य जीतने के लिए नहीं किया, लंका से एक पैसा नहीं लिया उन्होंने, लंका का राज्य नहीं लिया, जबकि विभीषण ने कहा था, पढ़ा है अपने परम पुराण पढ़ना, विभीषण ने कहा अब आपका राज तिलक करने की अनुमति दो, आप लंका के राजा हो गए, उन्होंने नहीं मैं लंका का राजा नहीं हुआ, तो विभीषण ने कहा जब एक राजा दूसरे राजा को हराता है तो उसका स्वामी बन जाता है, तो रामचंद्र जी ने क्या जवाब दिया कि मैंने राज्य जीतने की उद्देश्य से युद्ध नहीं किया था, मैंने पत्नी की रक्षा के उद्देश्य से किया था, इसलिए मैं कुछ नहीं ले सकता, और पत्नी को लेकर वापस आ गए। अपन होते उनकी जगह तो भाई अब तुम दे रहे तो दे रहे हो सुना, इतना से डायलॉग में कर्म बंद हो जाता है, इतने से डायलॉग में जितनी सेना मरी ना सबका पाप लग जाता है, इतनी से डायलॉग में। इंटेंशन बहुत बड़ी चीज है, इंटेंशन बहुत बड़ी चीज है। चलो नहीं समझ आते पूछना भैया, है ना, लव दो और उपयोग समझ में आया, बहुत जोरदार चीज है। सोत्र
दृष्टांत है। सोतक गिनती आती है? आती है, बहुत सिंपल, इसको भी आती है। आती है सोतक गिनती? अच्छा बोलो। हाँ 1 2 3 अभी बोल रहे हैं। तो सो, तुम सो तक गिनती आती है, सो एक संग बोलो। अब क्रम क्रम से बोलना पड़ेगा, 1 2 3 4 ऐसे क्रम क्रम से। ऐसे ही जानते तो हम सब हैं, बोलते एक बार एक एक करके हैं। ऐसे ही हमारे ज्ञान में जितने निर्णय हैं, अब बड़ी बात कह रहा हूँ, एक निर्णय नहीं है हमारे ज्ञान में, असंख्यात निर्णय हैं इस समय हमारे पास। भाई सब फीड है बिल्कुल, जैसे कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्रामिंग होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सारे, आप डाउनलोड कर देते हो, फिर वो जब जरूरत पड़ती तब काम करता है, वो जब जरूरत पड़ती तब वो काम करता है। आप एक बटन दबाओगे वो एक सॉफ्टवेयर काम करेगा। ऐसे ही तुम्हारे ज्ञान में जितनी जिनवाणी पड़ी, जितना जीवन भर में तुमने सुना समझा देखा पढ़ा, वो असंख्यात निर्णय फीड हो गए। अब उपयोग कब आता है उसका? जब वो तुम काम में लेते हो। तो ये गड़बड़ नहीं समझो, हमने भूल गए, चिंतन करना नहीं, चिंतन नहीं करते तो भूल गए, नहीं कभी नहीं भूलते। इसका मतलब समझ में आया कुछ? मैं आत्मा हूँ ये बात भी तुम भूलोगे नहीं कोई। अभी रोटी बनाओगे तो भूल नहीं जाओगे, कार चलाओगे तो भूल नहीं जाओगे जो प्रवचन सुना है। बोलो 1 घंटे का प्रवचन कितना भूल जाओगे अभी यहाँ से उठने के बाद? पारस बोलो बिना कितना भूलोगे? पंडित जी अब तो सब भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं, जितना जितना डिसीजन हो गया उतना उतना याद रहेगा। एग्जाम्पल कह दिया है सॉफ्टवेयर की तरह, कंप्यूटर में जैसे सॉफ्टवेयर है, काम आए कि मत आओ, लेकिन जिस दिन तुम कुछ काम करोगे उसी दिन वो फंक्शन करने लगता है। आपको पता है, आपको सब बातें याद रहती हैं, जब प्रसंग आता है ना तब याद आ जाती है। हमें अभी तक याद है तुमने 25 साल पहले हमारी शादी में क्या कहा था? नहीं नहीं याद आ जाती, बोले तो वो फीड है कि नहीं? फीड नहीं हो तो कैसे आ जाए वो? एक छोटे छोटे डायलॉग याद आ जाते, छोटे छोटे, वो याद करो, तुम झुक रहे थे, वो पानी पी रहे थे, वो तुमने कहा था। जैसे ही अपन प्रवचन सभा में से निकले तो चप्पल पहन रहे थे, उस समय तुमने हमसे कंधे पे हाथ रख के ऐसे कहा था, ऐसे नहीं नहीं है यार? बताओ कितनी चीजें याद हैं आपको? मान लो आज के प्रवचन में इतनी सारी बातें सुनी, भूल जाओगे? मैं तो नहीं मानता भूल जाओगे, याद नहीं करोगे ये अलग बात है, लेकिन भूल नहीं सकते। अब कभी कोई बात आ जाए, हाँ ये कल कहा था आपने, कल सुबह ये लाइन आपने कल बताई थी, भूल कैसे जाओगे? आप समझ में आ रहा है? मेमोरी कमजोर नहीं किसी की, और प्रवचन याद आने का नाम धर्म नहीं है, रटने का नाम धर्म नहीं है, सोचने का नाम धर्म नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी बात है पढ़ा दी आप, जीवन भर का निचोड़ दे दिया मैंने। अब और अच्छी बात बोल दूं एक और, अंतिम समय हो गया आपका 10:15, एक अंतिम बात। मेडिटेशन बैठ के नहीं होता, ये जो क्या कह रहा था मैं, वो लब्ध, ये लब्ध का जिसे पता है ना, इसका नाम मेडिटेशन। मेडिटेशन समझ गए? ध्यान करना नहीं है आपको, ध्यान है। बोलो 3 दिन तक ध्यान नहीं रहेगा पारस, किस्मत प्रकाश जी आए, कब भूल जाओगे? बोलो रोटी खाते समय भूल जाओगे? बताओ व्यापार करते समय भूल जाओगे? 3 दिन भूल जाओगे? 3 दिन, अरे ओ मैं भूल ही गया, फिर शाम को याद आया, सुबह से शाम तक याद नहीं आएगी, किस्मत प्रकाश जी आए, फिर शाम को अचानक याद आएगा क्यों? बोलो समझ में आ रही बात? इसका नाम मेडिटेशन है, ऑटोमेटिक ध्यान का ध्येय चलता ही रहेगा। ध्यान करने के लिए भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, ध्यान चलता ही रहेगा। इसका नाम धर्म ध्यान है, छोटा मोटा ध्यान नहीं, धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान उठते बैठते चलते खाते पीते होता है। अब बोलो कहाँ कठिन है? बोलो कोई कठिन लगा भारत, चल सकते हो मोक्ष? सोचना पड़ेगा, विचार करना है। ओम नमः शिवाय।